नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे इतिहास की, बिहार के ऐतिहासिक विरासत की, गांधी मैदान की। आखिर क्यों नाम पड़ा गांधी मैदान का? गांधी मैदान, बिहार की राजधानी पटना का गांधी मैदान, खुद में इतिहास के कई पन्नों को समेटा हुआ यह विशाल काय मैदान पटना और बिहार का गौरवशाली वर्तमान भी है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान गांधी मैदान को पटना लॉन्स या बांकीपुर मैदान के नाम से जाना जाता था। आज की तारीख में इसे गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपके जहन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर यह पटना लॉन या बांकीपुर मैदान गांधी मैदान में कैसे बदल गया। आप जब भी पटना के इस गांधी मैदान में आएंगे, बड़ी संख्या में आपको यहां लोग टहलते हुए, घूमते हुए और आराम फरमाते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन इस मैदान का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है, ये वो मैदान है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस मैदान ने देश में आजादी की अलख जगाई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों का गवाह रहा है पटना का यह गांधी मैदान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब पूरा भारत अपनी आजादी की लड़ाई के लिए उठ खड़ा हुआ था, महात्मा गांधी ने जंग आजादी की शुरुआत बिहार के ही चंपारण से शुरू कर दी थी। हिंदुस्तान के इतिहास का पहला सिविल नाफरमानी की लड़ाई का बिगुल बजाने के बाद बापू ने पटना के इसी गांधी मैदान में 1918 में एक विशाल जनसभा बुलाई थी। याद रखें, उस वक्त इस मैदान का नाम पटना लॉन्स हुआ करता था। उस दौरान आज की तरह कोई बड़ी रैलियां नहीं होती थी और न ही भारतीयों के पास आज के सत्ताधारी जमात की तरह कोई बहुत ज्यादा संसाधन होता था कि गाड़ियों में भीड़ भर भर कर लोगों को जनसभा में लाया जाए, और ना ही उस वक्त इतनी गाड़ियां हुआ करती थी। बापू ने लोगों में आजादी के प्रति गजब की दीवानगी भर दी थी। देश की बहुसंख्यक जनता को तो पहले यह भी पता नहीं था कि आजादी किस चिड़िया का नाम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी मैदान से देशवासियों को आजादी का मतलब और मर्म दोनों से रूबरू कराया। उन्हें बताया कि यह देश हमारा है और यह बाहरी अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे हैं। देश हमारा है तो राज भी हमारा ही होगा, इन लोगों का क्यों। 1918 में आयोजित हुए इस विशाल और सफल बापू की जनसभा के बाद से ही इस मैदान का नाम गांधी मैदान पड़ गया। बाद के दिनों में महात्मा गांधी की याद में उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची गांधी जी की प्रतिमा को इस मैदान पर एक छोर पर स्थापित कर दिया गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारी यह वीडियो हमारे Facebook पेज बिहारी न्यूज पर देख रहे हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।